बाद इसको छोड़ो, ये नहीं कि बस आना जाना लगे रहो, नहीं, ये कोई हमारा मंदिर या मस्जिद नहीं है कि वहाँ पर किसी को आना जाना मना नहीं रहता है। वहाँ भिखारी भी आते हैं, भक्ति भी आते हैं, अच्छे लोग भी आते हैं मंदिर मस्जिद में, गुरुद्वारा और चक्र के अंदर, लेकिन यहाँ नहीं आ सकते। लास्ट वो आप जिसको जानते हैं वही आदमी अंदर प्रवेश करेगा, बाकी कोई नहीं करेगा। आपको पावर दिया गया है, आपको कलेक्ट यूनिट वन के अधिकारियों ने और मेजरमेंट ने आपको किसी भी डिपार्टमेंट को पावर दिया है कि आप अपनी ड्यूटी परफेक्ट करो, ईमानदारी से करो और जवाबदारी को समझो। लेकिन अगर कोई नहीं समझेगा वो फंसेगा। मैं आपको बार बार ट्रेनिंग में बताता हूँ और समझाता हूँ, आपका स्टेफ नहीं है, आप क्या नहीं देते हो, ऐसा मत करो। मेन गेट के अंदर जो भी सामान मटेरियल उसको अच्छी तरह चेक करने से पहले गेट पास देख लो, गेट पास देखो, पेपर देखो, टैली करो, क्या है क्या नहीं है, बॉक्स खाली है या भरा है ये भी देखना है। दस बॉक्स आ गए, उसमें से दो बॉक्स खाली थे, हमने गिनती करे, दस बॉक्स तो बराबर है, अंदर गया खाली था। सिक्योरिटी डिपार्टमेंट पैसा पर जो ड्यूटी वाला है ना वो जवाब देगा कि आपने चेक क्यों नहीं किया। भोजी वाला के अंदर चालू है ना बराबर, भोजी वाला के अंदर एक प्लांट है जिसका नाम है पीएनआर, वो फोटो बनता था। वहाँ पर क्या हुआ, एक सुपरवाइजर और गार्ड, वो गार्ड एक सुपरवाइजर जब गाड़ी अंदर आया, गाड़ी अंदर आया वो बॉक्स से नीचे आया, कम से कम चार बॉक्स खाली थे। सुपरवाइजर ने कंप्लीट किया, वो अंदर गया, अंदर गया कि वो बॉक्स क्रेन के द्वारा रख दिया गया। बाद में दो दिन के बाद पता लगा कि बॉक्स खाली आया है। कौन सा कार में भी बचता कार है, सुपरवाइजर नहीं आता है, उसी को होती है डिपार्टमेंट को नहीं होती है। आप चर्चा करो, मैं आपको हर महीने तनख्वाह दूंगा, लेकिन हमारी जवाबदारी है कि बॉक्स को हमने हिलाया नहीं, ऊपर चढ़ा नहीं, हमारी जान फट जाएगी या हमको ऊपर चढ़ने से दिक्कत हो रही है, लापरवाही हो रही है, इसलिए हम नहीं चढ़े, हमने ऊपर से ड्यूटी कर लिए, छोड़ मत करो, मत करो। बॉक्स जो बॉक्स आता है, जो कार्टून आता है, क्या है दो मिनट के अंदर, हाँ क्या तकलीफ होती है, इतना दिन भर ड्यूटी करे और जरा सा सामान आया उसको चेक नहीं करे, ऐसा जल्दी मत करो। मैं आपको एक एक बात समझा रहा हूँ, समझो आप कि दुनिया के अंदर कैसे कैसे होती है। एक कंटेनर ये क्या है कौन बताएगा सुपरवाइजर, क्या है ये कंटेनर है, देखो ये कंटेनर कैसी चोरी होती है, इसके अंदर कैसा चोरी करता है, तो बताता हूँ मैं। उस ड्राइवर ने क्या किया, ऊपर से है ना काट दिया, ऊपर से पत्रे को काट दिया, क्या किया काट दिया, काटने के बाद जो पत्रा पूरा चौकनी काट के सामान निकाल दिया मेरी से। मुंबई की बात है, मुंबई जेल के भी नवा शिवा फोर्ट है ना, ऐसे ऐसे कमांडो में था उसकी, ऐसा बेरिंग निकाल दिया सब। एक बेरिंग का दाम उस टाइम पे 25 साल पहले 80,000 रुपये का बेरिंग था, जो जहाज में लगता था, जहाज के अंदर लगता था, वो बेरिंग उसने रास्ते में काट लिया और बराबर उसने है ना एक लाल वाला एक ये लगाया उसने, क्या बोलते हैं, पूरा लाल वाला था। और हम क्या थे, हम क्या करते थे, एक पेन और कागज लेके है ना कंटेनर नंबर आता था, कंटेनर नंबर लगते थे और हम सील था, सील को चेक करते थे कि सील सही है, सील सही है, हम ये देखते थे, हमने कंटेनर के चारों तरफ देख लिए, नंबर लिख लिए कंटेनर का और छोड़ दिए, मैं नहीं दूसरा था, छोड़ दिया। छोड़ने के बाद अंदर गया, अंदर करने के बाद वहां पर क्रेन से सामान निकालने के लिए कोशिश किया गया तो बेरिंग नहीं थी अंदर, तब वो कंटेनर तो खाली करके जाने वाला और सामान जो था वो तो जो निकला वो निकाल लिया, कंटेनर भाग गया।
ड्राइवर कंटेनर लेके भाग गया, चला गया, मतलब भागा मतलब चला गया गेट से, इन गेट से आया और गेट से गो। वो कंटेनर जब आया तो उसके ऊपर क्या मार गिरी, कस्टम अधिकारी सस्ते, सीआरपीएफ कमांडो जो ड्यूटी पे थे सस्ते, इंक्वायरी तहकीकात होना शुरू कर दी कि भाई वो सामान कैसे गया। वो कंटेनर का पहले सीसीटीवी नहीं था, वो कंटेनर का नंबर सब कुछ, कौन से एजेंसी से आया उसका पता लगा, तुरंत वेरिफिकेशन के लिए चले गए। तो गाड़ी पता लग गई, गाड़ी मिल